नमस्कार दोस्तों दोस्तों अपने शहरों में रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या ट्रैफिक सिग्नल पे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा बहुत बार। तो जब भी हम उनको देखते हैं यही सोचते हैं कि इनकी लाइफ में क्या, कैसे इनकी पढ़ाई, क्या इनका खाना अरेंज हो पाता है पूरा दिन में, या इसके अलावा ये क्या करते हैं, क्या इनको कोई फोर्स करता है भीख मांगने के लिए, या इनके पेरेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या इनके पेरेंट हैं भी या नहीं हैं। तो उसके बाद हम उनको बस खाना खिलाते हैं थोड़ा बहुत और पैसे दे देते हैं, फिर अपनी लाइफ में हम बिजी हो जाते हैं और वही रोड पे भीख मांगने लग जाते हैं। उनकी लाइफ वहीं तक सीमित होती है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम में से ही कोई आगे आता है और सभी के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है कि इनके लिए कुछ अच्छा सा किया जा सकता है। इसी पहल में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ नितिन जैन जी, जो कि फाउंडर हैं स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन के। उन्होंने उन छोटे बच्चों को देखा भीख मांगते हुए तो उनको लगा कि इनके लिए कुछ होना चाहिए, खाने से बढ़ के, कुछ पैसों से बढ़ के इनकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी, हम इनको चाहें तो कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं इस NGO से 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और यकीन मानिए बहुत ही खुशी महसूस होती है जब भी हम कुछ ऐसे बच्चों के लिए कर पाते हैं। किसी गरीब बच्चे के लिए जो कभी भीख मांगता था उसके लिए एक शिक्षा मुहैया कराना बहुत बड़ी बात होती है और उसको एक अच्छा इंसान बना पाना ताकि वो हमारे साथ सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम पा सके, वो हमारे साथ खड़ा हो सके। दोस्तों कोई एक ही होता है जो आगे आता है और कुछ समाज में अलग कर जाता है और सभी फिर उसके पीछे जुड़ते चले जाते हैं, सहयोग करते हैं इन कामों में। जैसे नितिन जी अपना NGO चला रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, अभी कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, सभी कुछ। दोस्तों आज हमारे साथ हैं नितिन जैन, जो कि स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन NGO के फाउंडर हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से इनको लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए बच्चों को जो शिक्षा दे सके जिसमें लोग जुड़ सकें। सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अनमोल अवसर दिया कि हम कुछ कर सकें। उसके बाद मैं परिवार का धन्यवाद करूँगा जिनके ये संस्कार हैं जो आज समाज सेवा के लिए कुछ करने योग्य हम हुए हैं, जो हमारा दिल इस तरफ बढ़ा है। तीसरा गुरुजनों का आशीर्वाद है और चौथा आप सभी का सहयोग है जो आज हमें मिल रहा है और इस NGO को और ऊंचाइयों को ले जाने के लिए हम तत्पर आगे हैं। तो नितिन कहाँ परेशानी आ रही थी, क्या बच्चों को समझाना था जाके या उनके पेरेंट को समझाना था, कहाँ क्या लग रहा था आपको कि वो पढ़ने आएंगे, कोई काम है उनका भीख मांगना रोजाना, तो आपको कहाँ लगा कि वो बच्चे आ पाएंगे, कैसे कितना मुश्किल था ये सब? मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था, हमारा केवल निर्णय ये था कि युवाओं को जोड़कर समाज हित के लिए कुछ कार्य किए जाएं। जिस तरह फिर 26 जनवरी को इन बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, बच्चों के साथ खेले कूदे, कुछ फल फ्रूट भी बांटे गए, उसके साथ साथ बच्चों से बातचीत हुई कि क्या वे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, तो उसमें हमें पता चला कि बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं। उस दिन लगभग 25 से 30 बच्चे आए हुए थे और उनमें से केवल 2 ही बच्चे स्कूल जाते थे। यह सुनकर सभी का मन अति चिंतित हुआ। फिर निर्णय लिया जो भी टीम के सदस्य थे, क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र से ही कार्य आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि फाउंडेशन का जो भी मोटिव है वो है शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, अवेयरनेस आदि के क्षेत्र में कार्य करना है। तो फिर शिक्षा को अहम भूमिका देते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़े। अगले दिन से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, कभी बच्चे आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, ठंड का मौसम था, सुबह हम आते थे बच्चों को आवाज़ लगाते थे आ जाओ, उनको लिए कॉपियाँ लाते थे, दरी लाते थे बैठने के लिए, उनको बिठाते थे, फिर कभी बच्चे आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे, पर हम निरंतर रोजाना सुबह शाम आते रहे। धीरे धीरे बच्चों का भी इंटरेस्ट बनता रहा, पर जब बात आई कि स्कूल भेजा जाए माँ बाप ने मना कर दिया, विशेष करके लड़कियों को, वो कहते क्या करेंगी ये पढ़ के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कुछ साल बाद 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी, फिर पराए घर चली जाएंगी, तो लड़का होगा तो वो पढ़ेगा तो कुछ काम आएगा, तो ये अति चिंता का विषय बना। फिर फाउंडेशन के सदस्यों ने झोपड़ी झोपड़ी जाकर इनके माता पिता से बात की,
समझाया कि आजकल बेटा बेटी एक समान है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्यों आप अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। निरंतर लगातार पढ़ाने के समझाने के बाद उन्होंने, कुछ परिवारों ने हमें कहा कि ठीक है हम भेज देते हैं। ये भी तब कहा जब हमने कहा कि आपका कोई खर्चा नहीं होगा, सारा संस्था का खर्चा होगा, कॉपी किताब बैग आदि, स्कूल की फीस सभी, और रोज़ाना हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे भी, तब जाके उन्होंने हाँ भरी। तो नितिन, कितने बच्चे अभी आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, पहले कितने आते थे, कितने पढ़ाने वाले उनको आ रहे हैं अभी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, जब हमने ये शुरुआत ही की थी जनवरी से, तो लगभग 5 से 6 हमारे सदस्य थे जो पढ़ाने आते थे, और लगभग 30-35 बच्चे थे, और आज 9 महीने पूर्ण होने के बाद आज लगभग 150 के करीब बच्चे हैं, और 30 से 35 रोज़ाना पढ़ाने वाले एक्टिव वॉलेंटियर्स हैं, या यूँ कहो हमारे मेंबर्स। एक ही बात है, आज 3 जगह पाठशालाएँ चल रही हैं, 2 सेक्टर 12 में और 1 सेक्टर 15 में। निरंतर बच्चों को शाम को 1 से 1.5 घंटा पढ़ाया जाता है। शिक्षा ही नहीं, संस्कार पे भी अति ध्यान दिया जा रहा है। संस्कारों का तो जीवन में विशेष महत्व है। आजकल अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को संस्कारों की कमी हो रही है, तो यहाँ पर शिक्षा पे फोकस इतना ना करके संस्कारों को भी देखा जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते चलते जा रहे हैं, रोज़ाना बच्चों को पढ़ाया जाता है, साथ में स्पोर्ट्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फंक्शंस आदि में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो नितिन, जब बच्चों की कापियाँ हैं, पेंसिल, स्टेशनरी, वो कहाँ से आती है, क्या आप खुद पे करते हैं या कोई फंडिंग करता है? हाँ जी, जैसे कि एक फाउंडेशन है, ये रजिस्टर्ड फाउंडेशन है, पूर्ण रूप से इसकी एक लीगल आइडेंटिटी है, इसका बैंक खाता भी है, और हमसे जुड़े जो सदस्य हैं वो इसमें दान राशि देते हैं। हमारी स्पॉन्सरशिप स्कीम है जो 9,000 रुपये एक साल की आप देकर एक बच्चे को शिक्षित करने में अपना अहम पुण्य के भागी बन सकते हैं, और मात्र 6,000 रुपये साल देकर भी आप बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। तो नितिन, कोई भी आदमी जो इससे जुड़ना चाहे वो कैसे जुड़ सकता है? इससे जुड़ने के लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है, हमारी वेबसाइट है www.spreadsmilefoundation.org। आप उस पर जाके एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर जिससे फाउंडेशन से आपको कॉल आएगा और वो आपको आगे की प्रक्रिया बता देंगे। हमारे यहाँ जुड़ने के लिए कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं है, ये मात्र फ्री है। आपको यहाँ पढ़ाने के लिए भी फ्री सर्विस देनी है, और संस्था से जुड़ने के लिए भी कोई किसी प्रकार का कोई दान राशि नहीं देनी है। इस तरह आप बच्चों को रोज़ाना भी पढ़ा सकते हैं जिस तरह आपके पास समय हो, या जब आप चाहें कभी वीकेंड्स पे आकर भी पढ़ा सकते हैं। और हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, अगर आप 1 महीने में 20 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो फाउंडेशन की ओर से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो आपके करियर डेवलपमेंट में अहम योगदान देता है। तो नितिन जी, आपके जो वॉलंटियर आ रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसे हैं वो? हाँ जी, उनका तो विशेष शुक्रिया करना चाहूँगा मैं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। वो रोज़ाना अपना समय निकाल कर यहाँ आते हैं, सुबह खुद भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी और वर्किंग जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी वीकेंड्स पे आते रहते हैं। रोज़ाना बच्चों को आकर पढ़ाना, ये तो सबसे बड़ा योगदान है। जो अपना समय दे रहा है उससे बड़ा हम कुछ नहीं कह सकते, तो उनके विशेष योगदान के लिए दिल से शुक्रिया करते हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इन बच्चों को शिक्षित करने में अपना अहम योगदान देते रहें। और एक विशेष बात, जो हमारे पढ़ाने वाले सदस्य हैं, उनकी अगर बच्चे नहीं आता तो वो उनको झोपड़ी में जाकर उनको बुलाकर लाते हैं, और साथ में अपने छोड़कर भी आते हैं। इतनी दृढ़ता से वो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही सराहनीय है। जो कि ये निःशुल्क सेवा है वो इतनी लगन से कर रहे हैं, ये उनके परिवार के संस्कारों को दर्शाता है। हम चाहेंगे कि हमारा युवा वर्ग इन सबको देखकर यूं ही आगे बढ़े और इन बच्चों को शिक्षित करने में अपना अहम योगदान दे, क्योंकि अगर इन बच्चों को शिक्षित हमने नहीं किया तो एक बहुत ही हिंसा की बात होगी। ये देश के लिए हिंसा के कार्य करेंगे, फिर आगे समाज के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी। तो इसलिए आए, कुछ समय निकालें, इस तरह के कार्य करें, बहुत अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ ही जुड़ें, आप अपने तरफ से भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा कार्य। और हर युवा वर्ग या हर सदस्य ये सोचे कि हम अपने आसपास के बच्चों को इस तरह की शिक्षा प्रदान करें, रोज़ाना आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाएं, तो सब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे और ये एक अच्छी लहर हमारे समाज में दौड़ेगी, और कोई बच्चा भीख नहीं मांगेगा, कूड़ा नहीं उठाएगा, और बच्चे शिक्षित होंगे तो हिंसा भी नहीं होगी, और हिंसा नहीं होगी तो समाज में सुधार भी होगा। शिक्षा के लिए आगे बढ़ें, अपना अहम योगदान दें, शुक्रिया। तो नितिन, आप फ्यूचर में इन बच्चों को कहाँ देखना चाहेंगे? फ्यूचर के लिए अभी हम सोचते नहीं हैं। देखिए, फ्यूचर का किसे पता है, ये बच्चे कितने आगे बढ़ेंगे कितने नहीं। पर हाँ, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जितनी भी तीनों पाठशालाओं में
एक बात जो हमारी विशेष रहती है कि संस्कार बच्चों को दीजिए। बच्चा पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, आप उसको अच्छी बातें तो सिखाइए। अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो ये तो समाज में एक बड़ी ही उदारता की बात है। अगर बच्चे में संस्कार ही ना हो और वो शिक्षित हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए इन बच्चों से ज़्यादा आशाएं ना रखते हुए एक इनको अच्छा इंसान बनने की आशा हम सब जरूर रखते हैं। और एक पूरी टीम को भी हम यही कहते हैं कि आप धीरे धीरे बढ़िए, एकदम बच्चों से ज़्यादा आशाएं मत रखिए, सुधार इनको मिलेगा। और हमारा ये प्रिंसिपल भी है, ग्रो स्लो हैव पेशेंस एंड रिजल्ट्स विल कम। तो इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हुए चल रहे हैं। और आज बच्चों में बहुत ही बदलाव है, आप आए देखें आपको अच्छा लगेगा। ठीक है नितिन जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें भी, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि शहर में ऐसा काम हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा काम हो तो गरीबों तक शिक्षा पहुंचे, हर एक बच्चा शिक्षा के लिए ना तरसे। जी, मुझे आपके NGO की ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि आप शिक्षा के साथ ही उनको मॉरल वैल्यू दे रहे हैं, उनको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, उठना बैठना समाज में, और उनको सफाई के लिए, उनकी हेल्थ के लिए सब भी जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी लगी आपके NGO की। जी, तो चलिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खुशबू है, मैंने NGO को ज्वाइन किया था 2 महीने पहले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सच कह रही हूँ। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँगी, बट थोड़े से मस्ती करते हैं लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं। इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे आज तक कोई नहीं मिला, और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाने को मिला, और अभी ये जर्नी बहुत दूर तक जाना है। और कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक यू। मेरा नाम है राजेश। मेरा नाम सुमित है, मैं बहुत पढ़ता हूँ और मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, खुशबू दीदी से बहुत पढ़ता हूँ, खुशबू दीदी से खुशबू पढ़ता हूँ। बस मेरा नहीं बोलना था। अंजलि दीदी बाय भैया, बहुत अच्छा। दोस्तों, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, इंसान वही है जो किसी दूसरे के काम आए, किसी दूसरे के लिए हंसी बन सके, किसी दूसरे की लाइफ में जरा सा चेंजेस ला सके और उसको एक अच्छे मुकाम पे ले जा सके, वही इंसान है और वही इंसान का धर्म है। दोस्तों, इस NGO से कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस छोटे बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहा हो, जो भी नॉलेज उसने अपनी लाइफ में ली है वो किसी के साथ बांटना चाह रहा हो और बच्चों से बदले में खुशी लेना चाह रहा हूँ, तो कोई भी आइए। जितने भी मेरे वीडियो के व्यूअर हैं, आपसे अनुरोध है कि आप हर संभव सहायता कीजिए। उनकी सभी डिटेल नीचे लिंक में है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप भी इंस्पायर करते रहिए और सीखते रहिए।